मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने जल्द ही पानी की अहमियत को महसूस कर लिया और पानी की बचत शुरू कर दी। पहली ही कोशिश में हॉस्टल्स, दफातर और स्टाफ क्वार्टर्स में पोस्टर्स लगाकर पानी की बर्बादी को रोकने और पानी की बचत के ताल्लुक से अवेयरनेस पैदा की गई। इसके बाद तमाम इमारतों की छतों से निकलने वाले बारिश के पानी को सम्प में इकट्ठा किया गया ताकि बाद में इस पानी को लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा छत से निकलने वाले पानी को कुदरती ढलानों और ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए गए नालों के ज़रिए रिचार्ज पिट्स में जमा किया जाता है जो तकरीबन 10 से 15 मीटर गहरे हैं, जिन्हें रेत और कंकरियों की मदद से बनाया गया है। इन तमाम इंतजाम के बाद ज़मीन की सतह पर बच जाने वाले इजाफी पानी को कुदरती तालाबों और इंजीनियर्ड पॉन्ड्स तक पहुंचाया जाता है। मानो यहीं नहीं रुका बल्कि दरख्त और पौधे लगाकर पानी के बहाव को रोकने की कामयाब कोशिश की। इन तमाम कोशिशों के अलावा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने इस साल अपने कैंपस में पानी के कंजर्वेशन और ग्राउंड वाटर यानी ज़मीनी पानी की सतह को बढ़ाने के लिए एक इनोवेटिव टेक्निक को अपनाया है और उम्मीद है कि दूसरे कैंपस भी उसके नक्शे कदम पर चलेंगे।